इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कि भीख मांगे थोड़ा सा पैसा आएगा कैंसर का इलाज डिस्पेंस से होगा थोड़ी देर और चले जाएंगे आवाम महंगाई में पिस गई है फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अब यह है कि या तो आईएमएफ की कंडीशंस माननी पड़ेंगी इसका मतलब महंगाई अगर आई की कंडीशंस नहीं मानेंगे तो और ज्यादा महंगाई उधर आके आज पाकिस्तान को इन्होंने खड़ा कर दिया और मैं खास तौर पे अब पाकिस्तान के आखिर में ये आप सब के लिए क्योंकि जो ये हो रहा है हमारे मुल्क के साथ मैं अपने इंसाफ के इदारे मैं खास तौर पे उनसे आज अपील करता हूं कि देखें आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिग्निटी ऑफ मैन इंसान का वकार इज्जत नफ्स की हिफाजत करता है जो हमारा आर्टिकल चौदह है आइन का वो हमारी हिफाजत करता है अब मैं अपने इंसाफ के निजाम से पूछना चाहता हूं हम कोई चाहते नहीं है कि किसी किस्म की ऐसी तनकीद हो कि हमारी अदलिया नाराज हो क्योंकि हम चाहते हैं एक मजबूत अदलिया हो लेकिन मैं आज ये जरूर आप सबके सामने क्योंकि आप लेजिस्टर्स हैं आप कानून साजी करते हैं आपने भी असेंबली में जब भी मौका मिला ये जरूर बात उठाएं कि क्या हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स हैं या नहीं क्या आइन जो हमें राइट टू डिग्निटी देता है ये जो हमारे लोगों से हुआ है 25 मई आप आप सब आपको पता है 25 मई को आपसे क्या हुआ है